नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत कवरेज न्यूज। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाइक सवार को बचाने में जौनपुर से जा रही स्कूली बस पलटी, दो बच्चों की मौत की सूचना। शैक्षिक भ्रमण पर निकले थे बच्चे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बच्चों से भरी स्कूल बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कई बच्चों की मौत की सूचना है, जबकि कई घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सैदाबाद हड़िया के पास हुई है। हड़िया कोतवाली के सैदाबाद में भेसकी गांव के पास स्कूल बस पलट जाने से दो बच्चों की मौत की सूचना है। दर्जन भर घायल हो गए। बच्चों की चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने उन्हें वाहन से बाहर निकाला। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। घायल बच्चों को प्राथमिक उपचार स्थानीय चिकित्सालय में कराया जा रहा है। सैदाबाद के भेसकी गांव के पास बच्चों से भरी बस स्कूल बस एक बाइक को बचाने के चक्कर में पलट गई थी। घटना सुबह 9:30 के करीब की बताई जा रही है। जौनपुर जिले के श्रीमती कांति देवी जनता विद्यालय परमारनपुर भरतीपुर के बच्चों की बस शैक्षणिक भ्रमण के लिए मनगढ़ प्रतापगढ़ जा रही थी, हड़िया के पास पहुंची थी, तभी यह घटना हो गया। बस में 35 लड़कियां, 40 लड़के यानी कुल 75 बच्चे सवार थे। सूचना मिलने पर मौके पर प्रयागराज जनपद के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं इसकी सूचना मिलने पर जौनपुर जनपद के भी अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हमारे प्रयागराज संवाददाता ने बताया कि हड़िया से होते हुए यह बस प्रतापगढ़ के मनगढ़ जा रही थी। बच्चों को टूर पर ले जाया जा रहा था, लेकिन यह बड़ा हादसा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है। फिलहाल घायलों का इलाज कराया जा रहा है। अभी मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। 9 बजे पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि सैदाबाद इसकी हंडिया हाईवे में एक बस जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तत्काल पुलिस द्वारा घटना का मौका मुआयना किया गया है। अब तक की जानकारी के अनुसार दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस और प्रशासन द्वारा तीव्र गति से उपचार हेतु लोगों को हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और सभी संभव प्रयास मदद के किए जा रहे हैं। इस मौके पर सारे उच्च अधिकारीगण द्वारा भी घटना का निरीक्षण स्थल किया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। मृतक दोनों छात्र हैं? अब तक की जानकारी में दोनों छात्र थे और वो लोग जौनपुर से इलाहाबाद टूर में आ रहे थे, उसी दौरान यह घटना हुई।